जानकारी देने के लिए, अपडेट जानकारी लेने के रुख करेंगे संपादक अशोक मिश्रा जी के साथ जानकारी लेने के लिए। अशोक जी, ये बड़ी खबर है जिसका अंदेशा था, शायद उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस प्रस्ताव देगी, और प्रस्ताव देगी तो नीतीश कुमार इससे इस तरह से आसानी से ठुकरा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, नीतीश ने यह प्रस्ताव तो ठुकरा दिया संयोग बनने के लिए, अब आगे क्या होगा? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो सका है, अब आगे की राह नीतीश कुमार कैसे तय करेंगे और जेडीयू के लिए आगे का क्या रास्ता बचा हुआ है? देखिए, ये अभी इस पर ध्यान रखना होगा राकेश की, देखिए इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने जो मेहनत की उसी का परिणाम है कि इंडिया गठबंधन इतना मूर्त रूप ले पाया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से विलंब हो रहा था, हालांकि नीतीश कुमार ने कहा था कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो आज की परिस्थिति दिख रही है उसमें लगता है कि अभी भी सब कुछ होना संभव नहीं दिख रहा है। वैसी परिस्थिति में अभी ये कहा जाता है कि नीतीश की जो भूमिका है वो आगे की भूमिका क्या होती है, ये इस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। चूंकि आज की बैठक में आपने देखा होगा कि कई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसी नेता नहीं दिखी, उद्धव ठाकरे नहीं दिखे, और कई नेता हेमंत सोरेन नहीं दिखे, तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि ये वर्चुअल मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग में किसी भी नेता को दिल्ली पहुंचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं की जो अनुपस्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में अभी भी सभी नेता एकमत नहीं हो पाए। जी जी, तो अशोक जी क्या लगता है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला, क्योंकि अब इंतजार है कि संयोग बनने से तो नीतीश कुमार इनकार कर दिया, अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्या इस पर भी जो खटपट है, जो तालमेल है, क्या वो बैठ पाएगा इंडिया गठबंधन में? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने पहले कभी नहीं कहा था कि वो कन्वेनर बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हाँ, नीतीश कुमार के चाहने वाले ने जरूर कहा, नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों की मांग जरूर थी, और जब पहली मीटिंग हुई थी पटना में, आपको याद होगा राकेश, उस समय अगर नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाता, या कर्नाटका में के बंगलुरु में जो बैठक हुई या मुंबई में जो बैठक हुई, तो एक बात होती। अब तो जो परिस्थिति बनी है उसमें तो लग रहा है कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां हैं वो चाहती हैं किसी भी तरह नीतीश वो हमारे साथ रहे, लेकिन नीतीश आप मानते हैं कि आप काफी विलंब हो चुका है, उनकी पार्टी मानती है कि गठबंधन के नेताओं ने निर्णय लेने में काफी विलंब कर दिया, और ऐसी परिस्थिति में जब आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वैसी परिस्थिति में अब उसकी काट के लिए इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है वह रणनीति क्या होगी, और उस पर फिर दलों की सहमति क्या होगी, इसको लेकर के भी अभी तक राय नहीं बन पाई है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि कहीं न कहीं अब अगर वो कन्वेनर बनते भी हैं तो जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाएगा, और वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की जो दल है वो अभी भी बीजेपी से लड़ने के लिए पूरी तरह से मूड में दिख नहीं रहे हैं। वैसी परिस्थिति में नीतीश ने कन्वेनर बनने से साफ तौर पर एक तरह से कहिए परहेज किया। दूसरी बात और कह सकते हैं कि जो परिस्थिति चल रही है, जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों में ये कहा जा सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार में भी जिस तरह से जदयू पर निशाना साधा जा रहा है वामपंथी पार्टियों के द्वारा, आरजेडी के नेताओं के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा, वैसी परिस्थिति में नीतीश खुद को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि बिहार में तो वो ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन के जो नेता हैं वो अभी तक आम सहमति नहीं बनाए हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, इससे भी लगता है कि नीतीश की नाराजगी दिख रही है, और पिछले दिनों कांग्रेस का जो रवैया रहा वो कहीं ना कहीं नीतीश को असहज करने वाला रहा, इसलिए नीतीश कुमार ने कन्वेनर का पद लेने से साफ तौर पर इनकार किया है। इसके पीछे साफ संकेत है कि नीतीश कोई भी वह कलंक या यूं कह लीजिए कि कोई भी ऐसा आरोप खेलने के लिए तैयार नहीं है जो कि कहा जाए कि इनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने टिक नहीं पाई, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कोई भी दोष स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं, और इसलिए उन्होंने, हमें लगता है कि उन्होंने संयोजक का पद लेने से साफ तौर पर इनकार कर। जी बिल्कुल अशोक जी, और ये बहुत ही बड़ा मैसेज और एक इशारा भी है, एक बहुत बड़ा इशारा कि आगे अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो चीजें हुई और जो उम्मीद जताई जा रही थी, उम्मीद से बढ़कर यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी जो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अब सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार ही संयोजक नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अशोक जी शुक्रिया आपका। इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए
सहयोगी अमित सिंह जुड़े हुए हैं। अमित जी, अगर बात करें हम, कांग्रेस ने जिस तरह से प्रस्ताव दिया और नीतीश कुमार ने जिस तरह से ठुकरा दिया, यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है नीतीश कुमार की तरफ से। सवाल यह उठता है कि कांग्रेस अब क्या करेगी, कांग्रेस के मन में अब क्या चल रहा है कि नीतीश कुमार ने आखिर जिस तरह से प्रस्ताव को ठुकराया है, वो अगला स्टेप कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, ये केवल कांग्रेस के लिए झटका नहीं है, ये झटका लालू प्रसाद यादव के लिए ज्यादा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव शुरू से कांग्रेस को कन्विंस कर रहे थे कि नीतीश कुमार को मनाने का एक रास्ता है कि आप उनको संयोजक बनाएं। अंदर खाने में इस बात को लेकर काफी चर्चा तेज थी। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, आप देखिए, तीन बैठकें तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में की, यही मनाने की कोशिश की जा रही थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो मुलाकात चल रही है, इसके मायने क्या है? इसके मायने यही थे कि नीतीश कुमार जो बड़े नेता थे कांग्रेस से, उनसे वो दूरी बना रहे थे। कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। तो इसमें तेजस्वी यादव इस दूरियों को, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री आवास में तीन बैठकें की, नीतीश कुमार से उनसे मुलाकात भी की, लेकिन उस मुलाकात का जो फायदा है वो साफ निकलकर नहीं आया। और मुख्यमंत्री ने खुद इस बैठक में मना कर दिया जब उनको यह प्रस्ताव मिला कि संयोजक पद पर आपको प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस की तरफ से, नीतीश कुमार ने मना कर दिया। यानी तमाम कोशिशों के बावजूद भी नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग रहे और शायद यही कारण था कि जितने भी जेडीयू के नेता, बड़े नेता रहे, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, कद्दावर नेता रहे, वो सारे नेता इस बात को कहते रहे कि नीतीश कुमार सूत्रधार है, इंडिया गठबंधन का नींव उन्होंने रखी, तो फिर यहां संयोजक बनाने में इतनी देरी क्यों हुई और अब संयोजक बनाने का फायदा क्या? अब तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी की घोषणा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जेडीयू पहले से इस बात की तरफ इशारा कर रहा था, जिसको नीतीश कुमार ने एक तरीके से इस बैठक में मुख्य तौर पे कह दिया कि इस बैठक में जो प्रस्ताव आया उन्होंने इनकार कर दिया और यह कहते हुए कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का ही नेता चेहरा जो है वो संयोजक पद के लिए उपयुक्त है, तो वो ही संयोजक बने। तो नीतीश कुमार ने अपने मनसा साफ कर दी और इसके लिए कांग्रेस बेहद परेशानी में रह सकती है। और साथ में लालू प्रसाद यादव को हम इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को एक जिम्मेदारी मिली थी को नीतीश कुमार को संयोजक पद के लिए मनाए, शायद नीतीश कुमार ने, यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव और एक जनवरी से लेकर अब तक का आप देखिए 13 जनवरी तक लालू यादव 10 सर्कुलर रोड नहीं गए। 1 जनवरी को वहां पे उनको राबड़ी देवी के जन्मदिन पर बधाइयां देनी थी, नीतीश कुमार ने नहीं दी। तो ये सारे चीज जो 13 दिन से चल रहे थे वो इसी बात के लिए थे कि नीतीश कुमार को मनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने अल्टीमेटली ये कह दिया कि वो इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर रहे, कांग्रेस का ही नेता कोई चेहरा संयोजक बने। तो नीतीश कुमार के फैसले से जरूर परेशानी इंडिया गठबंधन के अंदर, तमाम बड़े नेता जो है इस बात को लेकर सोच रहे होंगे कि आखिर अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रस्ताव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है। वो प्रस्ताव था कि आप इंडिया गठबंधन के संयोजक बने और संयोजक पद से सीधे तौर पर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और यह कह दिया कि कांग्रेस के ही कोई नेता संयोजक पद पर बैठाया जाए। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई वर्चुअल तरीके से, कई नेता जुड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी ने इस बैठक से किनारा किया। और सबसे बड़ी खबर यह कि इंडिया गठबंधन के अंदर संयोजक बनाए जाने को लेकर जो खबरें चल रही थी और कांग्रेस ने जो आज प्रस्ताव दिया कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, इस प्रस्ताव को, कांग्रेस के इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस समेत तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को नीतीश कुमार ने करारा झटका दिया है। सवाल उठता है नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है और क्या एक बार फिर से तमाम घटक दल के नेता नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करेंगे।